सचखंड श्री दरबार साहिब में देश विदेश से संगतें आकर नतमस्तक होती हैं और अपनी श्रद्धा का प्रगटावा करती हैं। तो वहीं पिछले कुछ समय से श्री दरबार साहिब के नज़दीक बने होटलों में चल रहे देव व्यापार को लेकर खबरें सामने आई हैं। इसके अलावा सिख जत्थेबंदियों की ओर से मांग की जा रही है कि श्री दरबार साहिब के नज़दीक शराब के ठेके और तंबाकू की दुकानें बंद होनी चाहिए, जिसके चलते सिख जत्थेबंदियों की ओर से श्री दरबार साहिब के श्री अकाल तख्त साहिब पर अरदास करके जत्थेदार के नाम और शिरोमणि कमेटी के प्रधान के नाम एक मांग पत्र दिया गया है। इस दौरान सिख जत्थेबंदियों के नेताओं ने कहा कि सचखंड श्री दरबार साहिब आस्था का केंद्र है, जहां दूर दूर से संगतें आकर नतमस्तक होती हैं और पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि सचखंड श्री दरबार साहिब के अंदर भी कुछ शरारती लोगों की ओर से बेअदबी करने की कोशिशें की जा रही हैं। इसलिए वे शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान को अपील करते हैं कि श्री दरबार साहिब के बाहर शराब के ठेके और तम्बाकू की दुकानें बंद करवाई जाएँ। इसके साथ ही श्री दरबार साहिब के नज़दीक संगतों के ठहराव के लिए बने होटलों में भी देव व्यापार का धंधा चल रहा है, इसे रोकने के लिए भी SGPC के प्रधान और श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार को वे अपील करते हैं कि वे इसके लिए उचित कदम उठाएं। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ते DC साहब नूं वे असीं बेनती करन वास्ते आए हैं कि जो सचखंड श्री हरिमंदर साहिब सिखां दी आन बान ते शान है, जिस वास जिवें मुसलमान वास्ते मक्के तो परे उजाड़िया, इवें सिख वास्ते भी हरिमंदर साहिब तो परे उजाड़ी उजाड़िया। तो आप सारी संगत ते समुची दुनिया इस गल नूं जाणदी भी हरिमंदर साहिब की पवित्रता नूं कायम रखण वास्ते समय समय ते सिखां नूं जे लोड़ पई ते अपने लहू दे जो वहाण सन वह भी वहा दिते। कहण तो भाव यह आ कि हरिमंदर साहिब की जिहड़ी पवित्रता है उन्हूं हर हीले नाल गुरु का सिख जिहड़ा है वह रखना चाहुंदा है। तो आप जी जानते हो कि इत्थे भली भांति सारिआं नूं पता है कि सब थावां ते नगन जोड़े जो हन वह फड़े जांदे हन, होटलों के बहुत ज़्यादा जो देह व्यापार का धंधा है वह हो रहा है, तो सचखंड श्री हरिमंदर साहिब दीआं परिक्रमा दे विचों तंबाकू मिलदा है। लेकिन किते भी आप जी देखो कि यह तंबाकू की पुड़ी किसी भी धार्मिक अस्थान के उपर नहीं जा सकती, किते भी कोई नशा नहीं जा सकता। असीं चाहुंदे हाँ हाँ जी 6 महीने की सीधी सजा है। असीं चाहुंदे कि जिवें बाकी जिहड़े हिंदुआं दे अस्थान हन उन्हां नूं पवित्र शहर का दर्जा दिता है, बाकी धर्मां दे भी जिहड़े हन अस्थान उन्हां नूं भी पवित्र शहर का दर्जा दिता गया। प्रशासन अगे भी लिखा सीगा तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। ये प्रशासन अपना फर्ज सामभ के कार्रवाई करू करता है तो ठीक है, नहीं तो फिर सानू मजबूर इन होटलों च आ वड़ना पेगा ता कि जोड़ा भी संगत दर्शन कोई करना आया उन्हें गलत प्रभाव ना जाए। जे प्रशासन अपनी जिम्मेवारी समझ के करता है ठीक है, तो फिर जे ना किया तो फिर ये होटल वाले भी अं बेनती करते हैं कि वो अपने अपने होटलों चंगे जी कोई यात्रु आता उन्होंने कमरा देन, जो गलत अंसर आता फड़ के बाहर करन ते उन पुलिस के हवाले करन।